मैं आऊंगी। हिमांशु मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हैं कोटा से। हिमांशु, एक तरह से तो परीक्षा जो है शुरू हो ही चुकी है। बच्चों की तो परीक्षा तभी से शुरू हो जाती है कैंडिडेट्स की जब वो घर से निकलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने तक की परीक्षा, फिर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तक जाने की परीक्षा। अब असल जो परीक्षा होगी उससे पहले जो एग्जाम सामग्री है, परीक्षा की सामग्री है जो अभी बांटी जाएगी, अभी अंदर क्या प्रोसेस चल रहा होगा ये भी बताएं। और उससे पहले मैंने ब्रेक से पहले जो आपको सवाल किया था कि किस तरह की सजा का प्रावधान है ये फर्जी कैंडिडेट्स के लिए। गगन, देखिए आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन फिलहाल एक एक्सक्लूसिव तस्वीर जी राजस्थान पर दिखाता हूं। देखिए, एक ये परीक्षार्थी है जो मध्य प्रदेश से एग्जाम देने के लिए आई थी, ट्रेन लेट हो गई करीब एक घंटे, और जिसके बाद में ये छात्रा जो है वो परीक्षा केंद्र पर बाहर मायूस होती हुई, भावुक होती हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश से ये जो छात्रा है, ये जो परीक्षार्थी है, वो कोटा के एग्जाम सेंटर पर, जेडीबी गर्ल्स कॉलेज एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने के लिए पहुंची, ट्रेन लेट हुई जैसा कि मैंने बताया, और उसके बाद में इसका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा। एग्ज़ाम सेंटर पर जो स्टाफ है उनसे बात की गई, उन्होंने अंदर जाने से अनुमति से इन देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर ये परीक्षार्थी मायूस है और परेशान भी। कहाँ से आए हैं, कितनी तैयारी करके आए थे, एंट्री क्यों नहीं मिल रही? हम गुना से आए थे, हमने बहुत सारी तैयारी की थी एग्ज़ाम के लिए, बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम में ट्रेन लेट होने के कारण हम यहाँ लेट आ पाए और हमें एग्ज़ाम में एंट्री नहीं दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, आपके लेट होने की वजह क्या रही आपकी? ट्रेन लेट होना हो। ट्रेन लेट हो गई, निश्चित तौर पर मायूसी रहेगी, एक मलाल रहेगा, बहुत बुरा लगेगा। आपने वकील साहब इनकी हेल्प करने के लिए रेलवे स्टेशन से आप इनको लेकर के आए, अब क्या बातचीत चल रही है इनको लेकर? रेलवे स्टेशन से सीधा मैं यहाँ लेके आया हूँ और सीधा गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी की है। 9:20 पे मैं यहाँ आया था, अब मैंने कहा चलो 10 बजे से एग्ज़ाम है, अगर एंट्री दे सकते हैं तो बच्ची को अगर एडमिशन एंट्री दे देते हैं तो ये एग्ज़ाम दे सके। अब आपकी बातचीत चल रही है, क्या जवाब मिला? मुझे तो अभी इन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि 9:01 से भी के बाद भी हमने एंट्री नहीं दी किसी को, तो हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हमल रिक्वेस्ट है। कोई अपर लेवल पर बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, डीएम के लेवल पर कोई बातचीत नहीं? मेरी तो नहीं है, मैं अगर डीएम, आज संडे है, डीएम ऑफिस की छुट्टी होगी, अगर कहीं मुझे मैं ऑफिस में भी फ़ोन लगाऊंगा डीएम के, तो उठाने वाले तो नहीं है, सेल नंबर तो मेरे पास है नहीं है, अगर सेल नंबर उपलब्ध हो जाए तो मैं एक बार उनसे भी रिक्वेस्ट करके देख लूँगा। तो देखिए, ये हेल्प करने के लिए ये एडवोकेट हैं कोटा में पेशे से, और इन्हें सूचना मिली, इनके नॉन थे और ये एग्जाम सेंटर तक इन्हें लेकर के आए ताकि जल्दी पहुँचाया जा सके, लेकिन 9 बजे के बाद में एंट्री बंद हुई, एग्जाम सेंटर का जो मुख्य द्वार है वो लॉक हुआ और अब किसी को अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे एक और स्टूडेंट थे जो यूपी के बलिया से आए थे, उन्हें भी लेट पहुंचने के बाद में एग्जाम सेंटर से वापस जाना पड़ा है। ये छात्रा है मध्य प्रदेश से जिनकी ट्रेन लेट हुई, वो एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, एग्जाम सेंटर के अंदर उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। निश्चित तौर पर आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद में बड़ी उम्मीद के साथ में परीक्षा देते हैं, लेकिन आप दूसरे राज्य से आकर के एग्जाम सेंटर तक पहुँचते हैं और उसके बाद में अगर आपको एंट्री नहीं मिले देरी की वजह से, तो निश्चित तौर पर मायूस होना लाजमी। और फिलहाल इसी तरह की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ केसेस होते हैं, हालांकि हमने देखा था और जिलों के अंदर और शहरों के अंदर कंसीडर किया गया, लेकिन फिलहाल अगर कोटा की बात करें तो ऐसा कोई केस नहीं है कि 9 बजे के बाद में किसी स्टूडेंट को एंट्री दी गई हो। ठीक है।